नहीं लौटा। हमें चिंता हो रही है। अब तक तो उसे बहुत भूख लग रही होगी। और हम जानते हैं कि उसकी शुदा बाहर शांत नहीं हो सकती। चलते हैं। ऐसे क्षेत्र में खेलने से क्या आनंद प्राप्त होगा? कैलाश ही अच्छा है। अरे मोदक कहाँ गए? आप खा गए? अरे जी हाँ, कब? अभी अभी। मित्र आप तो भूल भी जाते हैं। किंतु मेरी शुद्धा तो शांति नहीं हुई, मुझे और खाना है। ठीक है, मैं एक मूषक को कैलाश भेज देता हूँ। कैलाश, मैं इतनी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। जाओ जाओ, वहाँ गाँव से मिल लिए कुछ भोजन लेके आओ। जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम। उधर नहीं, इधर नीचे देखिए। आपके गांव के समीप महादेव, माता पार्वती, पुत्र गणेश पधारे हैं। उन्हें भूख लगी है, कुछ भोजन देने की कृपा करें। क्षमा करें, मेरे पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। भोजन देने की कृपा करें। नहीं, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। हमारे पास कुछ नहीं है। हम आपको कुछ नहीं दे सकते। मित्र, इतना समय लगा कर आए तो भोजन तो लाए ही होंगे। नहीं, हमें किसी ने भी भोजन नहीं दिया। बालक को भूख लगी है। क्या इस गांव में कोई भी ऐसा उधार नहीं कि उसे खाने के लिए कुछ दे सके? और मैं तो आपका अतिथि हूँ, मेरा पोषण करना आप सबका धर्म है। हमें क्षमा कीजिए, ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि आप यहाँ पधारे और हम आपकी सेवा करने में असमर्थ रहे। हमने आपको भोजन इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमारे पास आपको देने के लिए कुछ है ही नहीं। वर्षों से हमारे क्षेत्र में अकाल आया हुआ है। जब हमारे पास ही कुछ खाने को नहीं तो हम आपको कैसे देते? मित्रों, हम सबकी समस्या एक है।
समाधान तो ढूंढना ही होगा। तुम सब जाओ और कुछ भी भोजन योग्य मिले वो ले आना। जैसी आज्ञा। किंतु यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा प्रभु। देखते हैं। तुम्हारा पुत्र मंगल मूर्ति है पार्वती। वो ना केवल अपनी अपितु समस्त संसार की शुदा शांत करने आया है और इस समय भी वो यही कर रहा है। मित्रों आ गए तुम सब। क्या लाए हो? बहुत ढूंढने के पश्चात मुझे एक दुर्बल और भूखी गाय मिली। मैंने उससे विनती की तो उसने बहुत प्रयत्न करने के बाद इतना सा दूध दिया। मुझे कुछ पिपलिकाओं से इतने ही चावल के दाने मिल पाए। मुझे भी उन पिपलिकाओं से केवल इतना ही गुड़ प्राप्त हुआ है। अब क्या करेंगे मित्र? पिताजी आपको कौन सा मिष्ठान सबसे प्रिय है? खीर। दूध चावल और गुड़ को पकाने से खीर बनती। इन दिनों को एक साथ पकाने से तो खीर बनती है। खीर मेरे पिताजी को भी अति प्रिय है। मैंने कभी खीर का सेवन नहीं किया। आज हम इससे खीर बनाएंगे। क्या आप खीर बनाएंगे? आप हमारे निर्धनता और परिस्थितियों का मखौल उड़ा रहे हैं। इतनी कम सामग्री में खीर कैसे बनेगी देव? मैं बनाऊंगी खीर। मैं पूरी करूंगी शिव पार्वती पुत्र की इच्छा। ये पात्र छोटा है। इतनी सी सामग्री के लिए ये भी बहुत बड़ा है। नहीं, यदि खीर बनेगी तो बड़े पात्र में ही बनेगी। इस गांव का सबसे बड़ा पात्र मंगवाया जाए। जैसी शिव पुत्र की इच्छा। मैं अभी मुखिया के घर से बड़ा पात्र लेकर आती। अपनी शुदा मिटाने के बहाने उसने समस्त गांव की भूख मिटाने का प्रबंध कर दिया है। गई तो विलम्ब के साथ मुझे दीजिए। अब तक तो मेरी शुदा बढ़ चुकी है। और खाइए प्रभु, और खाइए। खीर तो यही खा गए, हमारे लिए कुछ भी शेष ना रहा। अत्यंत स्वादिष्ट बनी है खीर, आनंद आ गया। मेरा पेट तो भर गया। अब
आप सभी इसका सेवन कर सकते हैं। श्री गणेश की जय। 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 माँ, पुत्र, पुत्र तुम ठीक तो? तुमने कहा था कि तुम शीघ्र लौट आओगे, फिर तुम्हें आने में इतना समय क्यों लगा? तुम्हें भूख लग रही होगी ना? चलो हम अभी तुम्हारे लिए कुछ बनाते हैं। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं लगी? किंतु ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी देर तुम बाहर थे, वो भी बिना भोजन के। माँ, मुझे भूख लगी अवश्य थी, किंतु मैं जिस गांव में गया था वहां पर मैंने खीर का भरपेट सेवन किया। अत्यंत स्वादिष्ट मिष्ठान है माँ, तभी पिताजी को भी इतनी प्रिय है। और यही नहीं माँ, मैंने उस गांव के निवासियों को ये भी सिखाया कि प्रकृति का ध्यान रखना और प्रकृति का सम्मान करना आवश्यक है, क्योंकि प्रकृति ही तो जननी है, प्रकृति ही तो माता है। केवल मेरी नहीं, समस्त संसार की। आज हम सभी एक विशेष निवेदन लेकर आपके पास आए। निसंकोच कही प्रभु, गणेश के आगमन के साथ ही शुभता का भी आगमन हो चुका है। किंतु सभी मनुष्य अपने नश्वर जीवन को पोषित करने में और अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि वो आध्यात्मिक जीवन के क्रियाकलापों व उद्देश्यों से विमुख हो चुके हैं। हम आपसे मार्गदर्शन प्राप्त कर मनुष्यों को सही दिशा दिखाना चाहते हैं। प्रभु, पूर्व काल में जिन ग्रंथों की रचना की गई थी, किसी कारणवश उन ग्रंथों का प्रकाश साधारण मनुष्यों तक नहीं पहुंच रहा है। उन मनुष्यों को अपने अंधकारमय जीवन से मुक्ति नहीं मिल रही है प्रभु। ऋषि कश्यप, आपकी समीक्षा उचित है, हमें इसका उपाय ढूंढना होगा। और इसका उपाय केवल महादेव के पास। समय के साथ सब कुछ परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि हमारी चेतना निरंतर विकसित हो रही है। नए दृष्टिकोण उत्पन्न होते, नए प्रश्न उठ रहे, नई समस्याएं उत्पन्न हो रही। इन नई परिस्थितियों का सामना करने हेतु नियम, मान्यता, विचारधारा में परिवर्तन लाना अनिवार्य है।
ताकि नए समाज को इसे अपनाने में कठिनाई ना हो। किंतु ध्यान रहे, उन सिद्धांत, उन विचारधाराओं के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आप सभी कल बरगद के पेड़ के नीचे एकत्रित हो, वही विश्व का नित्य ज्ञान चर्चा का केंद्र बनेगा। प्रभु, जनहित में यह सबसे महान कार्य सिद्ध होगा। प्रभु, पिताजी, ज्ञान क्या होता है और उसकी चर्चा की क्या आवश्यकता है? जो अपनी व समस्त संसार की वास्तविकता से हमारा परिचय कराता है वो ज्ञान है पुत्र। ज्ञान के अभाव में समस्त संसार को, जीवन को समझ पाना असंभव। कोई भी सही निर्णय लेना असंभव है। ज्ञान के बिना की गई घोर तपस्या का फल कल्याणकारी नहीं होता। मुझे अथाह ज्ञान प्राप्त करना है पिताजी। और इसके लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। आप मेरा भी मार्गदर्शन करेंगे ना? अवश्य पुत्र। मैं अपने मित्रों के साथ खेलने जाऊं? जाओ पुत्र। स्वामी, हमें गणेश की शिक्षा की चिंता हो रही है। उसमें जिज्ञासा तो बहुत, किंतु गुरु बिन ज्ञान नहीं। पार्वती संतान के प्रथम गुरु तो उसके माता पिता ही होते हैं, जिनके आचरण से वो प्रथम पाठ सीखता है। और ये प्रक्रिया तो आरंभ हो चुकी है। तुम्हें ज्ञात नहीं पार्वती, कैसे गणेश ने अकाल ग्रसित क्षेत्र के निवासियों को प्रकृति का आदर करना सिखाया। इसलिए हम उसके समक्ष जीवन यापन के जितने भी उच्च उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, उसका उतना ही ज्ञान वर्धन होगा।